दोस्तों, जीवन में लोग खुश कैसे रहते हैं सीखो इस चैनल के माध्यम से, नहीं तो बीमारी होगी तो सब जो पैसा है कमाओगे वो बीमारी में खर्च हो जाएगा। इसीलिए 2-4 मिनट का वीडियो जरूर देखें दोस्तों। सवाल नंबर 1, कौन सा काम रोज करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है रोज नहा करके पूजा पाठ करना सबसे जरूरी होती है। घर में पूजा पाठ करने से घर में माता लक्ष्मी आती है और सभी लोग जो है उसके दिमाग जो है वो शांत से रहता है, घर में झगड़ा झंझट बिल्कुल नहीं लगा रहता है। इसीलिए पूजा पाठ जो है वो खूब करना चाहिए और प्रसाद खूब चढ़ाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 2, कौन सा बैगन खाने से शरीर में खुजली किसी प्रकार के दोस्तों नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है गोल वाला बैगन जो है उसको खाने से दाद खाज खुजली की बीमारी नहीं होती है और सेहत भी बनता है। तवा पर थोड़ा तेल डाल करके, थोड़ा सा नमक जीरा मिर्च डाल करके थोड़ा सा पका लें और खाएं, खूब अच्छा लगता है। सवाल नंबर 3, लकवा की बीमारी कितना दिन में ठीक हो जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है लकवा की बीमारी 6 महीना में ठीक होता है, कम मारता है। तो लेटिंग जाते समय जरूर ध्यान दें कि ज़्यादा लेटिंग न लगे, नहीं तो ज़्यादा लेटिंग लगने पर जाने वाले व्यक्ति को तुरंत मार देता है। इसीलिए महसूस हो लेटिंग तो तुरंत जाना चाहिए, कहीं पर भी आए किसी काम में भी आए दोस्तों, तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 4, कौन सा मछली खाने से शुगर की बीमारी जड़ से मिट जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है केवल मछली लगातार 6 महीना खाने से शुगर की बीमारी जड़ से मिट जाता है और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और जामुन जो मिले साथ में तो वो भी खाना चाहिए। केवल मछली की जो है वो दवा बनता है शुगर के व्यक्ति के आदमी के, इसीलिए मछली जरूर खाएं दोस्तों। सवाल नंबर 5, औरत लोगों को क्या क्या खिलाना चाहिए ज़्यादा सेहत सही रहने के लिए और सुंदर शरीर बनाने के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर है औरत लोगों को ज़्यादा मीट अंडा फल इन सभी चीज़ों को ज़्यादा खिलाना चाहिए कि सेहत अच्छा रहे और सुंदर रहे, कि खाना बना करके समय समय से देगी। थैंक यू दोस्तों।